हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं माइनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है ग्राफिक्स कार्ड खरीदते टाइम, बेसिकली यूज ग्राफिक्स कार्ड खरीदते टाइम इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि ये माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ, जो आधे से ज़्यादा लोग होता है उनको पता ही नहीं होता कि माइनिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एक क्रिप्टो करेंसी का नाम इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये क्रिप्टोग्राफी और समथिंग लाइक दैट, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट के खिलाफ जाके ये की काम जो है वो करना पड़ता है। बेसिकली ये चीज़ एकदम से ट्रू नहीं है, इन अ पार्ट ये ट्रू है, बट इसी चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि अगर आप माइनिंग जीपीयू खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको मिल रहा है कहीं से, तो क्या आपको लेना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आप एक माइनिंग जीपीयू के साथ भी गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जो कि नॉर्मल कार्ड बेचने के नाम पे माइनिंग कार्ड बेच देते हैं, आप उससे गेम खेल भी लेते हो अच्छे खासे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एंड आपको पूरा एंटायर लाइफ सेशन ग्राफिक्स कार्ड का आपको ये पता नहीं चलता कि मैं एक माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वह सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माइनिंग होता क्या है। तो माइनिंग बेसिकली, माइनिंग के अंदर तीन तरीके का काम होता है। एक होता है जितने भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने वाले लोग हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन करेंसीज के फॉर्म में वो जो पैसा को किसी दूसरे बंदे को भेज रहा है जो कि ये सेम करेंसी यूज़ कर रहा है। एग्जैक्टली लाइक बैंक ट्रांसफ़र, जैसे आप बैंक में से NGFT करते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या फिर आप वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या फिर वैसे बहुत सारे कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड, उससे आप पेमेंट करते हो, तो वो जो पेमेंट का बर्डन होता है, जो ट्रांजेक्शन का बर्डन होता है, वो किसी एक खास करके पर्टिकुलर कंपनी पर जो है जाके पड़ता है। एंड उसके लिए वो कंपनी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ पैसा जो है डिमांड करते हैं। लाइक अगर आप वीज़ा कार्ड यूज़ करो, प्लैटिनम कार्ड, तो वो एक साल में तकरीबन 300 समथिंग डिमांड करते हैं, मेरे अकाउंट से भी वो अपने आप कट जाता है। तो बीच में कंपनी है जो कि आपके लिए ट्रांजेक्शन को संभाल रहा है, जितने भी ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो, एंड उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक ट्रांजेक्शन के अंदर, अगर मैं बात करूँ माइनिंग एंड बैंक के अंदर। माइनिंग के अंदर ऐसा कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होता है जो कि आपके लिए कोई ट्रांजेक्शन को वो हैंडल करे, मतलब आपको किसी को पैसा भेजना है तो आप पहले उसको रिक्वेस्ट करो मिडिलमैन को, एंड फिर वो बंदा जो है वो उस बंदे को पैसा भेज देगा। तो यहाँ पे एक मिडिलमैन रहता है, जहाँ पे हम लोग बैंक की बात करें। गाइस, माइनिंग के अंदर ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, कोई मिडिलमैन नहीं होता है, वो डायरेक्टली किसी एक माइनर के थ्रू हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि माइनिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे माइनर्स होते हैं जो कि अपने अपने रिग माइनिंग के लिए खोल के बैठे हैं। अगर आप भी माइनिंग करना चाहते हो तो आप भी अगर माइनिंग रिग तैयार करो, आप आज से ही माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप भी उन माइनिंग ग्रुप्स के अंदर शामिल हो गए। हो सकता है आप बिटकॉइन को, मतलब जैसे आप स्टॉक खरीदते हो वैसे ही आप बिटकॉइन खरीदते हो, तो आपको किसी बंदे को पैसा भेजना है। तो यहाँ पे अगर आपको वो पैसा भेजना है तो उसके लिए एक ट्रांजेक्शन होगा, एंड वो ट्रांजेक्शन वैलिडेट करना है, तुमको देखना है कि इस बंदे के अकाउंट में कितना पैसा है, उस बंदे के अकाउंट में कितना पैसा होने वाला है। ये सब जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है इसको कौन करेगा, मिडिलमैन तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी माइनिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक ये काम को करेगा। अब जो सबसे पहले ये काम करता है, जितने भी माइनिंग बंदे बैठे हैं, जितने भी बंदे जो है वो माइनिंग कर रहे हैं, उनमें से जो बंदा पहले ये काम करेगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब रिवॉर्ड मतलब वो जिस कॉइन में माइनिंग कर रहा है, अगर वो इथेरियम में माइनिंग कर रहा है तो उसको इथेरियम के फॉर्म में कुछ पैसा मिलेगा। मतलब उसको एक इथेरियम मिलता है या फिर दो इथेरियम, इतना नहीं होता है, पॉइंट में होता है, बट छोड़ो फॉर एग्जाम्पल पर्पज। या फिर अगर वो बिटकॉइन के फॉर्मेट में करता है तो उसको बिटकॉइन के फॉर्मेट में ही जो है रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि कोई एक स्पेसिफिक बंदा जो है आपके लिए वो ट्रांजेक्शन को संभालेगा। माइनिंग वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं माइनिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, उनमें से कोई भी आर्बिटरी लोग जो है आपके आपका जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन बर्डन जो है उसको अपने सर लेगा, एंड उसको सही से एक बंदे के पास आपका जो पैसा है वो पहुंचा देगा। अगर आपका पैसा किसी अकाउंट में बाई मिस्टेक चला जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने पैसे को रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बैंक में ऐसा होता है किसी अकाउंट में बाई मिस्टेक जो है पैसा चला जाता है, आप उसको बैंक को बोल के कुछ ना कुछ करके आप वो पैसा जो अपने अकाउंट में वापस ले सकते हो। लेकिन गाइस, माइनिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग बात करें बैंक की, तो बैंक में भी आपके पास एक पासबुक होता है जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिटेल भरे रखे होता है। एंड अगर आपका पासबुक कहीं गुम भी हो जाता है तो वो जो सारे के सारे डेटा है वो बैंक किसी पर्टिकुलर सर्वर में जो है सेफली
रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पासबुक कहीं से कहीं गुम गया तो आप वहां से दूसरे पासबुक ले सकते हो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो आपने किया है उसको फिर से आप उस पर प्रिंट कर सकते हो या फिर जान सकते हो। माइनिंग के अंदर ये चीज को करने के लिए तो कोई सेंट्रल वहां पे मिडलमैन नहीं है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो डिटेल्स है, जो पैसा आप क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में भेज रहे हो किसी को, तो उसका जो ट्रांजेक्शन डिटेल है ये कहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज काम पे आता है कि जितने भी बंदे यूज कर रहे हैं अपने माइनिंग सेटअप, उसके अंदर भी उसका हार्ड डिस्क होता है एंड ऑल दैट। तो वो जो हार्ड डिस्क वगैरह, वो जो स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं जितने भी माइनर्स है, वो जो स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं उसी स्टोरेज डिवाइस को यूज किया जाता है एज अ सर्वर। तो मतलब ये जो डेटाज है आपके ट्रांजेक्शन के डेटाज, ये सारे के सारे माइनर्स के पास होते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि माइनिंग वर्ल्ड पे कुछ प्राइवेसीज आपके नहीं रहते, कि आप कितने पैसे आप किसी को भेजना चाहते हो, तो वो पैसा उसका जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो सबके पास होता है। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि मुझे बोलना चाहिए कि बैंक की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई हैकर होता है जो कि बैंक सर्वर को हैक कर लेता है, तो उनके पास सारे के सारे जितने भी डेटास बैंक के अंदर है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन उनके एक्सेस होते हैं। तो अगर कोई हैकर बंदा है जो कि बैंक सर्वर को हैक करना चाहता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बैंक सर्वर का जो कंप्यूटर है उसको हैक करना पड़ेगा एंड देन ही जस्ट रेडी टू गो। बट अगर हम लोग यहाँ पे माइनिंग सेटअप की बात करें, जैसे कि मैं बोल चुका माइनिंग सेटअप में कोई सुपीरियर बंदा नहीं होता है, कोई मिडलमैन, स्पेसिफिक मिडलमैन नहीं होता है। यहाँ पे माइनिंग वर्ल्ड पे जितने भी लोग हैं वो अपने आप में ही किंग है, कोई भी आपके लिए काम कर सकता है, आपको नहीं पता चलता कि कौन सा बंदा आपके लिए काम कर रहा है। तो अगर एक हैकर माइनिंग पे कुछ सर्वर को हैक करना चाहता है तो उनको सारे के सारे जितने भी माइनिंग रिग है, मतलब दुनिया पे जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं, उन सारे के सारे कंप्यूटर को जो है हैक करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटा लीक होगा उसके पास जाएगा, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको भी पता है एक टाइम पे कितने डेटास, मतलब एक टाइम पे उतने सारे कंप्यूटर्स को हैक कर पाना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ऐसे चांस रहता है लेकिन अब तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं बनाना भूल गया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज है उनके एक एक कॉपी सारे के सारे जितने भी माइनिंग करने वाले बंदे हैं उनके जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी रिग वो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके सिस्टम पे होता है। तो कोई हैकर अगर किसी एक कंप्यूटर का हैक कर लेता है, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन डिटेल है उसके अंदर कुछ छेड़खानी करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। किसी एक के अंदर अगर कोई चेंज वगैरह होता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है बाकी जितने भी माइनिंग रिग के अंदर जितने डिटेल स्टोर है उनके द्वारा। तो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, किसी एक पे अगर आप छेड़खानी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे जाने, मतलब इंटरनेट पे कनेक्ट होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इन ट्रांजेक्शन को एक फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रांजेक्शन को एक सारे के सारे कंप्यूटर पे ऐसे ही अरबी, मतलब नॉर्मली ऐसे स्टोर करे जा रहे हो ट्रांजेक्शन, जो अब एक के साथ एक एक जुटता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के अंदर बंद रहता है एंड उतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको एक ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया जाता है एंड उस ब्लॉक को क्लोज करके रख दिया जाता है एंड एक नया ब्लॉक स्टार्ट होता है, उसके अंदर फिर से नए ट्रांजेक्शन भरते हैं। एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन 2 से 3 हज़ार ट्रांजेक्शन ऐसे ही भर जाते हैं एंड देन उस ब्लॉक को लॉक कर दिया जाता है एंड एक दूसरा ब्लॉक स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है जो कि है हैश फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो उसको आपको भी पता है कि उसके अंदर एनक्रिप्शन होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से पैसा भेजना चाहते हो तो आपके पास एक की होता है, बैंक के पास एक की होता है, जिस बंदे को आप पैसा भेजना चाहते हो, वो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पैसा ट्रांसफर करने के टाइम। इसके बाद एक और चीज़ आता है जो कि काइंड ऑफ एनक्रिप्शन है, इससे भी आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, जो कि है हैश फंक्शन। YouTube जो है वो भी हैश फंक्शन यूज़ करता है, जितने भी सर्वर्स है जो कि आपके पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से रखता है। अगर मैं बात करूँ, आप Google पे अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हो, अपना यूज़र नेम टाइप कर रहे हो, तो इसको अगर नॉर्मल एनक्रिप्ट करके रखा जाए किसी जगह पे जो है सेव करके रखा जाए, तो भले ही वो सेफ है लेकिन कोई बंदा अगर कोई हैकर है उसको एनक्रिप्शन की मिल जाता है तो वो बड़े आसानी से उसको जो है डिक्रिप्ट करके वो मैसेज पढ़ सकता है। हैश फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आप कोई भी यहाँ पे नंबर दो, कोई भी लेटर दो, कोई भी स्ट्रिंग दो, कोई भी सेंटेंस दो, कुछ भी आप टेक्स्ट करके यहाँ पे भेजो, अगर उसको हैश फंक्शन के थ्रू पास करवाया जाए तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स का एक स्ट्रिंग होगा, जिसके अंदर अगर आप #256 यूज़ कर रहे हो तो उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रिंग निकल के आता है। तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है नॉर्मल एनक्रिप्शन से, कि इसका जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट से आप जो मेन आपका डेटा था उस पर आप बैक नहीं कर सकते, जो कि एनक्रिप्शन में पॉसिबल होता है।
अगर आपके पास इंक्रिप्शन की होता है तो आप उस डेटा को डिक्रिप्ट करके फिर से आपका जो मैसेज है उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि फिर हम लोग भाई उस डेटा को पढ़ेंगे कैसे, हम लोगों ने स्टोर तो कर दिया उसको हैश फंक्शन के फॉर्मेट में, मैसेज हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सीधे तरीके से बोला जाए तो हैश फंक्शन को पढ़ने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। अब इसको इसीलिए किया जाता है ताकि आपका जो डेटा है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो पाए। यहाँ पे इंक्रिप्शन की तरह कोई कीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो कोई हैकर इसको डायरेक्टली हैक नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता आपके मैसेज को। फिर आप इस मैसेज को काम पे कैसे लगाओगे, यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि जिसके लिए आपका जो जीपी है वो इतना ज़्यादा काम करते हैं। आपने एक टेक्स्ट टाइप किया जो कि है डॉग, माई डॉग इज़ गुड, तो इसका एक स्ट्रिंग निकल के आएगा 64 बिट का समथिंग समथिंग, ठीक है। अगर आप इसको हैश फंक्शन में कन्वर्ट करते हो तो हैश फंक्शन यूज़ करके कुछ उसका रिजल्ट निकलते हो। तो अब अगर तुमको पढ़ना है कि भाई ये जो हैश फंक्शन है ये इसका एक्चुअल मतलब प्रीवियस जो मीनिंग था वो क्या है, तो इसके लिए आपके पास एक ही चीज़ बचता है जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको बहुत सारे नंबर ऑफ जो बहुत सारे सेंटेंस जो है टाइप करना है एंड ये देखना है कि कब जाके मेरा जो हैश फंक्शन है वो इस वाले हैश फंक्शन से जो है मैच कर रहा है। जब मैच कर जाएगा तो आप भी जान जाओ कि इसका हैश फंक्शन इससे मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका मीनिंग ही है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। तो आप एक बात सोच के देखो कि अगर कोई GPU या फिर CPU से ट्रायल एंड एरर मेथड तरीके से इतने सारे पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहा है कि कौन सा हैश फंक्शन का रिजल्ट जो है इस वाले से मैच कर रहा है, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि अच्छा मेरा मैसेज जो है वो ये था। तो उस GPU को कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ जो है चेक करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग नॉर्मल GPUs की बात करें उसको भी तुमको भी पता है कि वो एक सेकंड में मतलब सैकड़ों नंबर, सैकड़ों तो मैंने कम बोल दिया यार, मतलब लैक्स या फिर 1 करोड़ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ जो चेक करता है, इससे भी ज़्यादा होता है मॉडर्न GPUs में। तो दैट इज़ वाई GPUs जो है इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक करने के दौरान इतना ज़्यादा बिजी रहता है माइनिंग के अंदर, एक ग्राफिक्स का सारा दिन काम करता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, भाई कितना पैसा भेजोगे तुम क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन बर्डन, आपके पास ये भी एक बर्डन होता है बहुत बड़ा कि आपको वो हैश फंक्शन वाला काम कॉन्स्टेंटली करना होता है। अब जिसके पास GPU पावर जितना ज़्यादा होगा, या फिर आप कोई भी माइनिंग सिस्टम यूज़ करो, वैसे दुनिया पे बहुत सारे माइनिंग सिस्टम हैं, अगर आप चाहो तो CPU माइनिंग कर सकते हो, चाहो तो GPU माइनिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास ASIC सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक IC, आप खुद से आप एक ऐसा IC बना रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है माइनिंग के लिए, तो आप उससे और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है माइनिंग कर सकते हो। यहाँ पे GPU को इसलिए काम पे लिया जाता है कि आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा चेक करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास बहुत सारे कोर्स है जो कि पैरेलल तरीके से काम कर रहा है, GPU का आर्किटेक्चर आपको पता है पैरेलल, उसके अंदर भाई बहुत सारे कोर होता है, ऐसे 2, 3, 16 कोर, 32 मतलब 32 कोर या फिर 64 कोर, ऐसा नहीं होता, उसके अंदर 1000 या फिर 2000 3000 ऐसे कोर्स होता है। तो उन वो सारे के सारे कोर जो है पैरेलली काम करते हैं। दैट इज़ वाई माइनिंग के अंदर आपको, अगर आप GPU से माइनिंग करते हो तो आपके पास ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है कि आप कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ASIC आपके पास होता है जिसका अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एंड दैट इज़ वाई लोग ज़्यादा GPU माइनिंग करते हैं। ASIC के लिए आपको ऑर्डर करना पड़ता है फॉरेन कंट्री से, उस पर कस्टम चार्ज लग जाते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी ASIC यूज़ करते हो आप तो माइनिंग का जो आपका मतलब एफिशिएंसी है या फिर आप जो पैसा कमाने लगोगे ना, तो वो भाई बहुत ही ज़्यादा होगा एक GPU के मुकाबले। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि भाई देखो माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू ओपिनियन मेरा है कि देखो माइनिंग ग्राफिक्स, सब माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड ख़राब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड को किस तरीके से यूज़ करते हो। इंडिया की बात किया जाए खास करके, जहाँ पे डेफिनेटली लोग उतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं कि मेरा ग्राफिक्स कार्ड ओवर हीट हो रहा है या फिर कुछ, और उन लोगों से पैसे से मतलब होता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में कभी कभार लोग होते हैं उनके वहाँ पे तुमको भी पता है एम्बियंट टेम्परेचर कम रहता है इंडिया के मुकाबले। तो इंडिया के जो माइनिंग टेम्परेचर, अगर माइनिंग कर रहे हो तो उस पर जो टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। एंड साथ ही में जो माइनर्स होते हैं, अगर कोई एंथुसियस्ट माइनर है तो डेफिनेटली वो GPU को डाउन क्लॉक करके वो डेफिनेटली GPU को अंडरबोल्ट करके चलाएगा। तुमको पता है आज के ज़माने में अंडरबोल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जैसे ही तुम CPU के अंदर ऑफसेट वोल्टेज सेट करते हो GPU को अंडरबोल्ट करने के लिए, वैसे ही GPU के अंदर भी अंडरबोल्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनिंग पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है VRAM का यूसेज। तो यहाँ पे लोग VRAM को ओवरक्लॉक करते हैं, जनरली जो तुम्हारा CPU है उसको अंडरबोल्ट करके चलाते हैं। तो अगर ऐसा यूज़र है
तुम्हारे आंखों में कहीं दिख रहा है कि अच्छा ऐसा ये बंदा मैं उसको जानता हूँ इस तरीके से माइनिंग कर रहा है, तो तुम उससे कार्ड जो है खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया की बात करें खास करके, तो कौन भाई है जो माइनिंग कर रहा है तुमको बताएगा कि देखो भाई मैंने माइनिंग रिग लगाया। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा यूजुअल नहीं है। एज यूजुअल अगर देखा जाए तो इंडिया पे इतने सारे माइनर्स नहीं होते एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। बस यहाँ पे एक सीधी सी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि एक जीपीयू जो कि साइबर कैफे में रन करे, या फिर एक गेमर जो कि सारा दिन 8 से 10 घंटा गेमिंग करता है, इतना तो नहीं करता, 5 से 6 घंटा करता है, वो भी अपने जीपीयू को पूरी तरीके से यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो वो जीपीयू तुम खरीदते हो तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि जीपीयू कितने टाइम के लिए रन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अगर जीपीयू को दिन में 8 घंटा रन करवा रहा है तो वो भी चलो ठीक ठाक है, ठीक है, कोई गेमर 8 घंटा गेमिंग भी कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइबर कैफे के बारे में सोचो, वो भी बहुत ज़्यादा गेमिंग होता है उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है कितना यूज़ किया बंदे ने। इसके अलावा भी एक और चीज़ होता है कि तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा, तुम माइनिंग जीपीयू खरीदते हो, तुम्हारे मन में कहीं है कि नहीं चलो यार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, तुमको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, सब माइनिंग कार्ड ख़राब नहीं होता है। तो तुमको ये देखना है कि बंदा जो माइनिंग सेटअप लगाए वो कैसा है, कि जीपीयू बहुत पास पास क्लोज बैठा हुआ है तो दिक्कत आ सकता है उसके अंदर, कि उसका टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है, या फिर बंदे ने गैप में बैठा है देन उसके बीच में अच्छे खासे कूलिंग का अरेंजमेंट किया है, तो डेफिनेटली तुम ले सकते हो, सोच सकते हो उस कार्ड को लेने के बारे में। इसके ऊपर जो चीज़ डिपेंड करता है वो है माइनिंग कार्ड के अंदर बहुत सारे आरएमए कार्ड भी आता है, जो कि बेसिकली होता है क्योंकि ओवरहीट होने के दौरान बहुत सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, तो उनको चेंज किया जाता है आरएमए करने के बाद। एंड आरएमए में ग्राफिक्स कार्ड जो है वो रिप्लेस नहीं होता है, उस पर सिर्फ वही पार्ट्स को चेंज किया जाता है जो ख़राब हुआ है। लास्ट में बात करते हैं कि माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड में जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो है मूविंग कंपोनेंट फ़ैन। तुमको पता है एक माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड जितना ज़्यादा देर रन करता है उसका फ़ैन उतनी ही देर काम करता है, एंड साथ ही में माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड जितना जितना हॉट होता जाता है उसका फ़ैन उतना ही तेज़ घूमने लगता है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है एक माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड के अंदर वो है उसका फ़ैन। तो फ़ैन डेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए, जो कि है जीपीयू का बायबैक, मतलब वो बोलते हैं ना 16 डेज रिप्लेसमेंट या फिर 30 डेज रिप्लेसमेंट, 10 डेज रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तुम ग्राफिक्स कार्ड को लाओ, अपने सिस्टम पे लगाओ, यूज़ करो 2 दिन या फिर 1 दिन मस्त तरीके से, अगर वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं तब जाके आप पैसा पे करो उसको, या फिर आप फाइनली उस कार्ड को परचेज करो। अगर डेड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम आता है, बार बार आपका सिस्टम क्रैश करता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर जाने के बाद, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो कि पीसीबी ब्रेक होने के चांसेस भी रहते हैं अगर आप बहुत पुराने ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो। वैसे इतने पुराने ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलेगा नहीं, ऐसे आज के डेट में देखोगे तो RX 570 ही मिलेगा। एंड अगर आपको माइनिंग कार्ड वारंटी में मिल रहा है 1 साल या फिर 2 साल, 2 साल तो नहीं होगा डेफिनेटली, 1 साल या फिर 6 महीने, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था कुछ ओवरऑल चीज़ें। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, एंड इन दैट केस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू गाइस। तो ख़राब नहीं होता है माइनिंग कार्ड, ठीक है, क्योंकि देखो अली एक्सप्रेस से जो कार्ड तुम खरीदते हो किसको पता है कि वो माइनिंग कार्ड नहीं है? सेलर तो बोलता है नहीं भाई वो माइनिंग कार्ड नहीं है, साइबर कैफे में यूज़ हुआ है, लेकिन हो सकता है माइनिंग कार्ड। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं एक बिल शो कर पा रहा हूँ, तो इसको देखकर भी अगर आपको बिल देखना, अगर आप किसी सेलर से ले रहे हो तो आप उससे बिल मांग सकते हो कि इस ग्राफिक्स कार्ड का आपने जो किया इसका इनवॉइस कहाँ है। तो वो पेपर जब आपको शो करेगा उस पर आप ऐसे कुछ देख पाओ कि बहुत सारे माइनिंग कार्ड, मतलब बहुत सारे सेम जैसे कार्ड वो खरीद चुका है, साथ में एक CPU है जो कि इतना ज़्यादा वीक है कि वो इजीली बॉटलनेक कर सकता है, फिर वो क्यों खरीदा है। तो ये काइंड ऑफ चीज़ें हैं कि आपको पता चलता है कि नहीं ये माइनिंग कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कार्ड होते हैं जो कि माइनिंग के लिए पॉपुलर होता है, तो डेफिनेटली वो आप खरीद रहे हो और ये सब कुछ बिल में ऐसा कुछ दिख रहा है तो डेफिनेटली वो माइनिंग कार्ड ही है, लेकिन डिपेंड करता है कैसे किस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। तो तुम ट्राई कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। एंड अगर आपको माइनिंग ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हो तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी कम होना चाहिए, ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। अगर आप गेमर से ले रहे हो, फर्स्ट पर्सन से ले रहे हो, बीच में कोई वो थर्ड पार्टी नहीं है, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, वारंटी में रहता है, तो ये सब कुछ है। यही वजह है कि अली एक्सप्रेस पे आपको जो है कार्ड सबके सब जो मिलते हैं वो थोड़ा सस्ते मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सब माइनिंग कार्ड होता है, उसमें से बहुत सारे माइनिंग कार्ड होते हैं। तो ये था कुछ ओवरऑल वीडियो, आई थिंक तुमको वीडियो पसंद है, एंड इफ यस देन प्लीज़ इस बंदे को हेल्प करना, इस चैनल को हेल्प करना ग्रो करने में, ताकि मैं और भी पीस लेट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ इन फ्यूचर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हो आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग।